बिहार बोर्ड की ओर से 9th क्लास में एडमिशन शुरू हो चुका है। ऐसे में जो भी छात्र एवं छात्राएं हैं अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं अपने स्कूल व कॉलेज में जाकर एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए आपको ये नामांकन फॉर्म भरना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नामांकन फॉर्म को आप किस प्रकार से भरेंगे, नामांकन फॉर्म आपको कैसे मिलेगा और नामांकन फॉर्म भर के आप जब जमा करने के लिए जाएंगे अपने स्कूल व कॉलेज तो वहाँ पर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए होंगे तो उसको भी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली जो भी वीडियो होगी उसकी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहेगी। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नामांकन फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा। जो जहाँ पर भी आप एडमिशन लेने के लिए जाएंगे 9th क्लास में या 10th क्लास में वहाँ पर जाएंगे और स्कूल कॉलेज में बोलेंगे मुझे एडमिशन फॉर्म दीजिए, वहाँ पर आपको इस तरीके से एक फॉर्मेट दिया जाएगा जो आपको भर के जमा करना है। तो पहले हम आपको बताएंगे इस फॉर्मेट को कैसे भरना है। तो आपके स्कूल का नाम यहाँ पे लिखा रहेगा जो भी कॉलेज है उसका, तो आप यहाँ पे इसमें शैक्षणिक सत्र जो भी आपका सत्र सेशन होगा वो आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद आवेदक आवेदिका का नाम हिंदी में भरना है, जो भी आपका हिंदी में आधार कार्ड पे है और इंग्लिश में जो भी स्पेलिंग नाम आधार कार्ड पे है उसी के अनुसार आप यहाँ पे नाम भरेंगे, गलती बिल्कुल नहीं भरेंगे। और माता का नाम हिंदी में भरेंगे, माता का नाम इंग्लिश में भरेंगे और जो भी आप यहाँ पर भरेंगे इंग्लिश में नाम उसमें एक डब्बे को छोड़ के आपको भरना है, जिस तरह से यहाँ पर सुजीत लिखा गया और एक डब्बे को छोड़ के कुमार लिखा गया, इस तरीके से आपको इंग्लिश में यहाँ पर नाम भरना है। उसके बाद पिताजी का नाम हिंदी में भरेंगे, इंग्लिश में भरेंगे और जो भी आप यहाँ पर नाम भर रहे हैं वो सही सही भरेंगे अपने आधार कार्ड के अनुसार। उसके बाद नीचे आएंगे, जो भी आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ यानी जन्मतिथि है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए और अक्षरों में आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखने के लिए बोला जाता है तो अक्षर में जो भी आपका होगा वो आप यहाँ पर लिख देंगे। पाँचवें नंबर में आएंगे तो जो भी आपका कोटी है, कोटी में आप यहाँ पर समझ लीजिए सामान्य अगर हैं तो आप यहाँ पर जी लिख देंगे जनरल, अगर पिछड़ी जाति में आते हैं तो BC2 लिखेंगे, अगर आप अति पिछड़ी जाति में आते हैं तो BC1 लिखेंगे या फिर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में आते हैं तो SC ST आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप अपने स्कूल या कॉलेज के जो भी टीचर हैं उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। छात्र की जाति जो भी आपका जाति होगा वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद पिता माता का जो व्यवसाय है, मजदूरी करते हैं या फिर बिजनेस है, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। खाता धारक का नाम, जिनका भी आप खाता इसके साथ लगा रहे हैं उनका नाम लिखेंगे। अगर आपका खाता नहीं है तो आप अपने मम्मी पापा के दे सकते हैं या नहीं तो खाता आप खुलवा लीजिए और अपना नाम यहाँ पर भरेंगे, जो भी खाता में आपका नाम है जिस तरह से स्पेलिंग है। उसके संबंध में आपका खाता स्वयं का है या माता का है या पिता का, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। बैंक का नाम, आपका जो बैंक खाता है वो किस बैंक में है उस बैंक का नाम लिखेंगे। उसके बाद खाता संख्या क्या है, IFSC कोड क्या है जो आपके बैंक पासबुक पे मिल जाएगा उससे देख के आप भर देंगे। ईमेल ID आपको यहाँ पर भरना है, आधार नंबर जो भी 12 अंकों का है वो आधार नंबर भर देंगे, मोबाइल नंबर भरेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपका थाना कहाँ है, जिला कहाँ है, राज्य कहाँ है, पिन कोड, मोबाइल नंबर फिर से और पोस्ट ऑफिस कहाँ है वो आप यहाँ पर हिंदी में बारीकी से भर देंगे और वर्तमान पता आपको फिर से वही सारे पता यहाँ पर भर देना है। नीचे आएंगे 10वें नंबर में विकलांग का प्रकार, अगर आप विकलांग हैं तो आप विकलांग यहाँ पर लिख देंगे, क्या विकलांग है, जैसे कि नेत्रहीन है तो आप यहाँ पर लिखेंगे नेत्रहीन, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप नीचे आएंगे, इसको आप रीड कर लीजिए, इंट्रक्शन दिया गया है बाकी आपकी मर्जी है। छात्र एवं छात्रा का हस्ताक्षर, जो भी छात्र हैं उनका हस्ताक्षर यहाँ पर करा लेना है। उसके बाद छात्र के जो भी माता पिता है किन्हीं एक का आपको यहाँ पर सिग्नेचर करवा लेना है। नीचे आएंगे फिर से तो फिर से अपना नाम, पिता का नाम, ग्राम, पोस्ट, थाना और जिला इस तरीके से आपको भर देना है। तो का डायरेक्ट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, क्लिक करके आप इस पेज पे आएंगे, वहाँ से आप नीचे आएंगे तो आपको जो 9th क्लास में एडमिशन होगा उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है उसके बारे में सारी जानकारी आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताई गई है। तो आप एक बार रीड कर लीजिए, रीड करने के बाद आप यहाँ से नीचे आइएगा तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर TC का फोटो देगा, तो TC किनको लगेगा वो आप यहाँ पे समझ लीजिए। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिए 9th क्लास में जो आपका एडमिशन होगा, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे समझिए 8वीं जो पास किए थे जिस स्कूल से उस स्कूल में नहीं, दूसरे स्कूल में 9वीं में आप एडमिशन ले रहे हैं तो उस कंडीशन में 8वीं जिस स्कूल से पास किए उस स्कूल से आपको मिला होगा TC, तो उसी छात्र को TC यहाँ पर लगने वाला है। और जो 9वीं क्लास में एडमिशन ले रहे हैं और 8वीं में जिस भी स्कूल में पढ़ रहे थे उसी में एडमिशन अगर ले रहे हैं तो उन छात्रों को TC नहीं मिलता है, इसलिए उनको TC नहीं लगेगा। तो ये कंडीशन रहता है, आप यहाँ पे समझ लीजिएगा। उसके बाद नीचे आएगा ईमेल आईडी कैसे बनाएगी मोबाइल फ़ोन से, उसके बारे में जानकारी बताई गई है। एडमिशन में कितना रुपया लगता है उसके बारे में जानकारी बताई गई है। उसके बाद नीचे आएंगे जाति आवासीय का किस प्रकार से ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उसके भी बारे में जानकारी बताई गई है। आपका कैटेगरी क्या है, BC1, BC2, EBC, अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो इस वीडियो को देख सकते हैं।